बसी यस्सु में आप सबकी सलामती हो खुदावंद की जिंदा और मुकदस पाकलाम कलाम की तलाब सुने और यसी के तना से कौपल निकलेगी और उसकी जड़ों से एक बावर शाख पैदा होगी और खुदांद की रूह उस शहर पर ठहरेगी हिकमत और खिरद की रूह मसल्लत और कुदरत की रूह मार्फत और खुदावंद के खौफ की रूह उसकी शादमानी खुदावंद के खौफ में होगी और वो ना अपनी आँखों के देखने के मुताबिक इंसाफ़ करेगा और ना अपने कानों के सुनने के मुआफिक फैसला करेगा बल्कि वो राशि से मस्किनों का इंसाफ करेगा और अदल से ज़मीन के खाकसारों का फैसला करेगा और वो अपनी ज़ुबान के आशा से ज़मीन को मारेगा और अपने लबों के दम से शरीरों को फना कर डालेगा उसकी कमर का पटका रासबाजी होगी और उसके पहलू पर वफादारी का पटका होगा पस भेड़िया बर्रा के साथ रहेगा और चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठेगा और बछड़ा शेर बच्चा और पला हुआ बैल मिलजुल कर रहेंगे और नन्ना बच्चा उनकी पेश रवि करेगा गाय और रीछनी मिलकर चरेंगी उनके बच्चे इकट्ठे बैठेंगे और शेर बब्बर और बैल की तरह बोसा खाएगा और शेर बब्बर बैल की तरह बोसा खाएगा और दूध पीता बच्चा सांप के बिल के पास खेलेगा और वो लड़का जिसका दूध छुड़ाया गया हो एफी के बिल में हाथ डालेगा वो मेरे तमाम कोई मुकदस पर ना जर पहुँचाएंगे ना हलाक करेंगे क्योंकि जिस तरह समुद्र पानी से भरा है उसी तरह ज़मीन ख़ुदावन के इरफान से ममूर होगी और उस वक़्त यूँ होगा कि यूँ होगा कि लोग यसी की उस जड़ के तालिब होंगे जो ज़मीन के लिए एक निशान है और उसकी का जलाली होगी खुदावन के जिंदा और मुकदस पाखला में से मत्ती की अंजील उसका पहला पाप पहले बाप की आ, पहली आय से लेकर छठी आय तक खुदावन के जिंदा और मुकदस पाखला में यूं लिखा है युम मसीह इब्ने दाउद इब्न इब्राहिम का नस्ब नामा इब्राहिम से इज़हाक पैदा हुआ और इजहाक से यकूब पैदा हुआ और यकूब से यहूदा और उसके भाई पैदा हुए और यहूदा से फारस और जारा तुमर से पैदा हुए और फ़ारस से हसरून पैदा हुए और हसरून से राम पैदा हुआ और राम से अमीदाब पैदा हुआ और अमीदाब से नहसू नहसून पैदा हुआ और नहसून से सलमून पैदा हुआ और सलमून से बोजर राहब से पैदा हुआ और बोज़ से उबेद रूद से पैदा हुआ और उबेद से यस्सी पैदा हुआ और यस्सी से दाऊद बादशाह पैदा हुआ खुदावंद के जिंदा और मुकद्दस पाक कलाम के पढ़े और सुने पर खुदावंद की खास बरकत हो आमीन मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो मैं मुखसर तौर पर अभी हवाला जात हमने बच्चों से भी सुने हैं बड़े दिन के हवाले से और यसाया नबी का सहीफा हम जानते हैं कि खुदांदुमसी के तजसम से सात सौ बयालीस बरस तकरीबन पहले खुदा का बंदा यसाया वो खुदा के कलाम को उसके बरगजीदा लोगों पर जो पहले बाप की पहली आयत में मंदर्ज है यसाया बिन आमूस की रोया जो उसने यहूदा और यूशलिम की बाबत यहूदा के बादशाहों उजिया और युताम यता, और आखस और हिज किया के अयाम में ये देखी और ये रोया अगर हम देखें तो इसको मिनी बाइबल ये साय की किताब को अक्सर कहा जाता है क्योंकि इसके छियासठ अबवाब हैं और बाइबल मुकदस की छियासठ किताबें हैं इसको मिनी बाइबल भी कहा जाता है क्योंकि इसमें खुदाम यीशु मसीह के तजसम उसके दुखों और जी उठने और उसकी लाचवाल बादशाही के बारे में पेशीन गोइया पहले से ही कर दी गई जो यीशु मसीह की पैदाइश के वक्त उसके दुखों उसकी तस्लीब और उसके जी उठने के वक्त पूरी हुई खुदामंद अपने अंबिया को हर दौर में अपने इकलौते बेटे हमारे मुनजी खुदामंद मसीह के बारे में पिशीन नबुवत नबूवत देता रहा नबी जो नबूवत करता है और इसीलिए लिखा जाता है बारे नबूवत वो बोझ वो बार जो नबियों को दिया जाता है हवा की तरफ से बाप की तरफ से खुदा की तरफ से जैसे वो मिलता है एज इट इज वो लोगों तक उसके बरगजीदा उसके ईमानदारों तक वो पहुंचा देते हैं मैन इसी तरह पैदाइश में भी उसकी पेशिन गोई सबसे पहले खुदा ने खुद पेशिन गोई कर दी खुद नबूत खुदा ने खुद कर दी थी खुदा ने बता दिया था नबूवत से बढ़ के वो बात है परफेक्ट बात है और वो मसीह यीशु पर पूरी होती है कि मैं तेरे और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा शैतान को उसने कहा औरत की नस्ल से तो फिर हम उसका इकरार भी करते हैं कि यीशु मसीह कुमारी मरियम से पैदा हुआ उसके बतने अतहर से उसने जन्म लिया वो पाक खुदा यसु मसीह के बारे में अब यसैन अभी, अभी लिखते हैं और यस्सी के तने से एक कॉम्पल निकलेगी इसीलिए मैंने मती की जीर उसका पहला बाप पहली आयात का नामा आपके सामने रखा है और वो यही है कि आयत में लिखा है बोझ से ओबेद रूद से पैदा हुआ और उबेद से यसी पैदा हुआ और यस्सी से दाऊद बादशाह पैदा हुआ और यसैन नबी पहले ही कह देता है और यसी के तने से एक कॉम्पल निकलेगी और खुदा यसु मसीद दाऊद की नस्ल से वो यस्सी की नस्ल से वो यहूदा के कबीले का भब्बर वो यहूदा के कबीले की नस्ल से यसाया नबी इसलिए कहता है और यस्सी के तने से एक कॉम्पल निकलेगी और उसकी जड़ों से ये बड़ी मौजाना बात है कॉम्पल तो तने से निकलती कलाम में लिखा और यस्सी के तने से एक कॉम्पल निकलेगी और उसकी जड़ों से हालेलुया इब्तदा और इंतहा वो अल्फा वो ओमेगा वो इब्तदा वो इंतहा वो अव्वल वो आखिर वो जड़ से वो निकलेगा यानी वो अव्वल है पहले जाड़ी बनती है कि जब बीज से जब पौधा बनता है तो वो जड़ पकड़ता है और जड़ ही मजबूती का बायस बनती है दरख्त की मजबूती का बायस जड़ बनती जड़ें फैल जाती वो मजबूत ठहरती वो मुस्तकम हो जाती है आंधी आए तूफान आए जो मजबूत दरख्त होते हैं वो उखड़ते नहीं कला में लिखा है कि उसकी जड़ों से एक बार आवर शाख पैदा होगी और खुदावन की रूह उस पर ठहरेगी हम इकसठ बाब में जसैन अबी का शहीफा जब खुदाम यसु मसीह ने अपनी ख़िदमत का ऐलान किया जो कहन होते थे वो तीस साल से पहले वो खिदमत बरमला तौर पर वो जब अनाइंट होते थे खुदाम यसु मसीह की अनाइंटिंग उसका मसाह खुदा बाप की तरफ से उस पर ठहरा जब उसने यदर्म पर बपतिस्मा लिया योना इस से, तो उसने तो कहा मैं तो तेरी जूती का तस्मा खोलने के लायक नहीं मैं तो खुद मोहताज लेकिन यीशु मसीह ने जब बपतिस्मा लिया तो गुलाम में लिखा है आसमान खुल गया और खुदा बाप की आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं उसका ऐलान आसमानी मकामों से उसकी गवाही आसमानी मकामों से हुई और मसीह की बाबत यही कि वो उसने जब ऐलान किया अपने बारे में कि ये नबूवत मुझ पर पूरी हो गई है खुदा का मसा मुझ पर ठहरा है जैसा नबी का सीफा इकसठवां बाब उसको जब दिया गया ये सायनबी का सहीफा तुमार तो उसने खोलकर इकसठवां बाप पढ़कर हैकल में कहा कि ये मुझ पर नबूवत क्या हो गई पूरी हो गई और वो बैठ गया और यहां पे लिखा है खुदामन की रूह उस पर ठहरेगी हिकमत और खिरद की रूह मसलहत और कुदरत की रूह इब्रानियों का मुसनफ पहले बाप की पहली आयात में वो कहता है के वो उसके झलाल का प्रथा और उसकी जात का नक्श होकर हर चीज को अपनी कुदरत के कलाम से संभालता है वो कुदरत से मुर्दों को आवाज देता है उसने जब लाजर को से आवाज दी लाजर बाहर निकला तो उसमें जिंदगी कुदरत के साथ शराय कर गई और वो जी उठा हल ये खुदाम की कुदरत और कलाम में लिखा है के मसलत और कुदरत की रू मार्फत और खुदावन के खौफ की रूह उसकी शाद मानी खुदावन के खौफ में होगी और वो ना अपनी आंखों के देखने के मुताबिक इंसाफ करेगा और ना अपने कानों के सुनने के मुआफिक फैसला करेगा जो यु, यहूदी फकी फरीसी ले आए थे उसने आंखों से देखा लेकिन वो धूल को जानता जो उस औरत को जो बदफेली के वक्त पकड़ी गई वो ले आए इंसाफ करवाने के लिए उसने ना कानों के सुनने के मुताबिक उसका इंसाफ किया ना देखने के मुताबिक उसका इंसाफ किया खुदा का रहम वो रहम दिल खुदा है मुबारक है वो जो रहम दिल है उन पर रहम किया जाएगा खुदा ने खुद रहम की मसाल दी है और वो मर्सीफुल गॉड है और वो हमें मुआफ़ी अता करता है और कलाम में लिखा है कि वो मस्किनों का इंसाफ करेगा अदल से ज़मीन के खाकसारों का फ़ैसला करेगा अपनी ज़बान के असार से ज़मीन को मारेगा और अपने लबों के दम से शरीरों को फना कर डालेगा और मेरे अजीजों खुदांद यसु मसीह कि जात उसके कलाम के सामने उसके मोजात के सामने कोई शरीर ठहर नहीं सकता किसी ने उस पर गुनाह कोई साबित नहीं कर सकता यीशु मसीह ने अपनी ज़मीनी जिंदगी में कहा कि कौन मुझ पर गुनाह साबित कर सकता है वो गुनाह से मुबर्रा है क्योंकि वो कंवारी से पैदा हुआ वो बिन बाप वो पैदा हुआ उसके वो उसने बाईपास खुदा ने उसको दिया वो बाईपास यानी वो उस तलीद के अमल से वो पैदा नहीं हुआ इसीलिए वो बेगुना इसीलिए गुनाह से उसकी वाकफियत नहीं इसीलिए गुना उसकी जिंदगी में नहीं है बल्कि वो पाक है कलाम में लिखा है कि पाकिज और रास्तबाजी का पटका उसके ऊपर है पाकिजगी और राष्ट्रबाजी इसीलिए उसको जेबा है खुदाम यसु मसीह ने इसीलिए कहा कौन मुझ पर गुनाह साबित कर सकता है और खुदावन यसु मसीह कल आज बल्कि अब तक यकसा है मैं दुआ को हूँ कि खुदावंद इस कलिसिया को आमद के इन इतवारों में अपने जलाल के लिए कसरत के साथ इस्तेमाल करें खुदा बाप खुदा बेटे खुदा रोहल कुज के नाम है